मेरी दोनों बीवियों को तलाक और तलाक मुझे ईमान की मौत ना दे। ये मैं आपको हलफ दे रहा हूं और ये मैं वीडियो के जरिए से दे रहा हूं। मेरी इज्जत और वकार को तार तार किया शेख रशीद अहमद जैसे घटिया आदमी ने कि जिसने आज तक किसी से वफा नहीं की, वो आपका नाम इस्तेमाल करके वो अपनी सियासत कर रहा है। और उन मुखालफिन ने कि जिन्होंने पूरी जिंदगी इस तहरीके इंसाफ के जरिए से और आपके नाम के जरिए से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं और सिर्फ करप्शन के अलावा और कुछ नहीं किया। और दूसरी चीज खान साहब, मुझे उम्मीद होगी कि आप इसके बाद जो है ये बाकी तीनों भी जो है वो चेयरमैन के जो कैंडिडेट हैं वो वजू की हालत में आपको कुरान के ऊपर हलफ देंगे और उसके बाद आप मुझसे मुलाकात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन पिछले 4.5 महीनों में और पिछले 2.5 सालों में आपके NH56 के अंदर किस किस तरीके से जो है वो आपकी सियासत और इस तहरीके इंसाफ की जो है वो धज्जियां बिखेरी गई हैं। शुक्रिया।